हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए 100 से ज्यादा लोग मिलकर कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। ये लोग सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते हुए वेलकम इलाके में जीटी रोड से गुजरने वाले कांवड़ियों की मदद कर रहे हैं। इन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी संजय कुमार सेन पहुंचे और इनके लिए बनाए गए पोस्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर संजय कुमार सेन ने कहा कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर पूर्वी जिला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग न हो। दिल्ली पुलिस भाईचारा कमेटी के लोग कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए सामने आए हैं। सभी धर्मों के लोग मिलकर यहाँ गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग कर रहे हैं। भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष मतीन अहमद खान ने बताया कि कमेटी में शामिल अलग अलग समुदाय के 100 लोग कांवड़ सेवा में जुटे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस को वॉलंटियर सहयोग करते हैं। इसके साथ ही असामाजिक तत्व पर भी वॉलंटियर नजर रखते हैं। मदन लाल ने बताया कि उनकी कमेटी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल है और सभी मिलकर कांवड़ यात्रियों की सेवा करते हैं। इसके अलावा कमेटी के मुस्लिम सदस्यों ने बताया कि वे लोग वर्षों से कांवड़ यात्रा में सेवा करते आ रहे हैं, इस काम में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बेहतर तरीके से इन प्लेस है ही, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ की पब्लिक का उसमें पार्टिसिपेशन ना हो और कंट्रीब्यूशन ना हो। इस रूप में यहाँ के पांडाल को देखकर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा जो कमेटी बनाई गई, वो सभी लोग जो सदस्य हैं वो उसमें अपना योगदान भी दे रहे हैं और उसको बेहतर बनाने में अपना पूरी भूमिका भी निभा रहे हैं। देखा जा रहा है कि अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, इस पर क्या करना चाहिए? यह एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है इस बात को, जो पहले पुराने जमाने से गंगा जमुनी तहजीब बोला जाता हो या फिर सांप्रदायिक के बजाय एक सौहार्दता वाला वातावरण बना हो, तो सब लोगों के सदस्यों से ही, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से, उनके पार्टिसिपेशन से ही ऐसा संभव हो सकता है, जिसकी एक नज़ीर आपके सामने। सर, बीते दिनों जो मामला हुआ था उसमें क्या निकल के आया सर? यह निश्चित रूप से एक सिंपल एक कंफ्यूजन रहा होगा, जो कि कोई चील वाला हो या कोई डॉग द्वारा लाया जाना हो, एक इस तरह की भ्रांति फैलाना या उसको बढ़ने देना, उसी को बस्ट करने में, उस भ्रांति को पूरी तरह से नकारने में ना केवल वहाँ के यात्रियों ने अपना उस बात को माना, बल्कि यहाँ के लोगों ने भी, और उस हिसाब से अरेंजमेंट भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।